और तीसरी बात यह है कि यह जो इस वक्त हुकूमत हिंद ने जो है असरी तालीम का नया निसाब लाया है, जो नया निसाब उन्होंने लेकर आया है उस निसाब के अंदर हमारे तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने अपने मजहबी अकायद, राम श्री राम हो या कृष्ण हो, उनके उसमें किया गया है और उन्हीं को जो है ना पेश किया गया है, वही असल बताया गया हिंदुस्तान के अंदर। हमारे तमाम अकाबरीन को जो जंगे आज़ादी लड़े थे उन तमाम को हटा दिया गया और ये कहा गया कि इसी वजह से हिंदुस्तान कायम है। तो इसलिए हमको ये इस बात की फिक्र है कि जब नया निसाब तालीम आ चुका है तो हमें फिक्र है कि हमारे कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे या आने वाले नस्लें हमारे क्या होगी। हमारे अकाबरीन ने तो जो है ना इससे पहले अंग्रेज़ों ने भी यही तालीम लाई थी, तो हमारे अकाबरीन ने उस वक्त जो है उसका मुकाबला किया था और उन्होंने दीनी तालीम को आम किया था और जो ना इसीलिए जो ना तो मदारिस कायम हुए थे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो कॉलेज के अंदर या स्कूलों के अंदर जो जो दसवीं तालीम हासिल करें, लेकिन घरों में दीन वो बच्चों को दीन से लगाव लगाएं, दीन से उनको जो है ना बताएं दीन क्या चीज़ है, उनका दीन मजबूत करें और उनको दीन के जो है ना किताबें पढ़ाने की सुनाएं। और ऑनलाइन करने का इरादा है कि हमारे को बताएंगे ईशा के बाद या 9 बजे के बाद जो कॉलेज के बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं ऑनलाइन जो कहेंगे, जो इससे पहले हमारे 70 साल पहले जो हमारे मौलाना मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब ने किताब लिखा था दीनी तालीमी रिसाला, उसको मुख्तलिफ ज़बानों में हम शाया करके उन बच्चों को बताएंगे कि दीनी तालीम यह है, दीनी तालीम सीखिए, कुरान शरीफ सीखिए, कुछ भी तालीम हासिल कर लिए लेकिन आप मुसलमान बन के रहिए। वैसा क्या कि इस तरह करना चाहिए, इसलिए एक कमेटी भी बनाई हमने। उस कमेटी जो है ना अनकरीब 1 हफ्ते के अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट देंगी, हमको क्या करना है, ऑनलाइन को करना है या नहीं करना है, और बच्चों को जो कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम क्या किया जाए, उसको उनको उनको जो है दीन को दीन से दीन की बातें सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे उलमा आना चाहिए, हमारे दानिश्वर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ये है कि इमामत कर लें या स्कूलों में मदरसों में पढ़ा रहे नहीं है, बल्कि ये बच्चों को भी दीनी तालीम दें, इन बच्चों को भी जो है कुरान शरीफ पढ़ाएं, इसके लिए कोशिश करनी है क्योंकि आगे चल के पता नहीं हमारे नस्लों को क्या होगा, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे बस। India's best NEET institute now in Hyderabad, Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results, hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately, Shaheen Academy Hyderabad. Our students have attained 1000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now, limited seats available.